हेलो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस कोटर्स पे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में तो गाइस वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि तबीयत ख़राब है आपको पता ही है और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना एंड तक देखने के बाद अगर पसंद आए तो ही और वीडियो पाँच मिनट का है एरे आपको मस्त समझ आ जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो एरे होता क्या है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लो आपको एक वैल्यू डिक्लेयर करनी है किसी वेरिएबल में तो एक वैल्यू के लिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तीन के लिए तीन वेरिएबल हद से हद कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे गए दस बीस पर अगर आपको सौ वेरिएबल चाहिए हो दो सौ चाहिए हो फिर तो तब यूज़ होती है हमारी एरे तो एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और एरे की डेफिनेशन सिंपल होती है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इज़ कॉल्ड एरे और कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज़ कॉल्ड एरे तो मैं एक इंटीजर टाइप की एरे बना रहा हूँ जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सेम तो यहाँ मैंने एरे का नाम लिख दिया ए आर अब मान लो हमें दस वेरिएबल के लिए एरे बनानी है मतलब हमें दस वेरिएबल का, का काम एरे में करना है तो मैं यहाँ पे ए आर के आगे ब्रैकेट लगाऊँगा सिंपल वाले जो हमारे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर लिखूँगा टेन या मैंने सौ लिख दिया है पर अभी तो बेसिक है तो सौ तो ज़्यादा हो जाएगा चलो इसे टेन कर देते हैं तो टेन ठीक है या सौ नहीं टेन ही ठीक है तो ये मैंने अपनी एरे डिक्लेयर कर दी इंटीजर टाइप की तो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमने वैसे ही की सेम अब यार तुम लोग कहोगे कि ये तो सिर्फ़ एक ए आर लिखा है तुमने यानी कि एक वेरिएबल है पर इसके ब्रैकेट में जो मैंने टेन लिखा है ना वो इसे टेन वेरिएबल बनाता है क्योंकि हमने ब्रैकेट में लिखा है टेन तो इसका मतलब ये टेन दस बार ए आर होगा यानी कि ए आर के दस वेरिएबल होंगे लेकिन वो डिफरेंस उनमें अलग अलग चीज़ क्या है कि ये ज़ीरो से नाइन तक चलेंगे मतलब जैसे हम वन टू थ्री फोर टेन तक काउंटिंग करके नंबर देते हैं ना यहाँ पे भी सेम रहेगा लेकिन ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी और एन तक जाएगी अभी मैं आपको इसे ट्रेवल्स करके यानी कि इसके अंदर एलिमेंट डाल के दिखाता हूँ तो यहाँ मैंने एक फॉर लूप लिख दिया और आई से स्टार्ट करूँगा मैं जीरो से आई की वैल्यू टेन तक जाएगी और आई प्लस प्लस होगा अब मैंने आपको बताया है कि एरे के अंदर जीरो से स्टार्टिंग होती है तो यानी इसका लास्ट एलिमेंट नाइन होगा तो यानी वो ए आर नाइन तक जाएगी इसलिए हमने फॉर लूप में टेन तक वैल्यू ली है अब मैं यहाँ स्कैन एप लिखूँगा परसेंट डी लगाऊँगा और फिर यहाँ कॉमा लगा के एम परसेंट लिख के लिखूँगा अपनी एरे का नाम यानी कि ए आर और ब्रैकेट में आई अब एल वो लगा दूंगा सेमी कॉलन अभी काम कैसे करेगा अब जब आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ए आर ज़ीरो में हम स्कैन करा देंगे एलिमेंट फिर आई की वैल्यू वन होगी क्योंकि प्लस प्लस हो जाएगा फिर ए आर वन में हम एलिमेंट स्कैन करा देंगे इसी तरह टू में इसी तरह थ्री में इसी तरह नाइन में और इस तरह हमारे दस एलिमेंट स्कैन हो जाएंगे अब मैं सेम फॉर लूप कॉपी कर रहा हूँ और स्कैन एफ की जगह लिख दूंगा मैं प्रिंट एफ प्रिंट एफ यानी कि जो मैंने वैल्यू स्कैन कराई है उसे मैं प्रिंट करा दूंगा और यहाँ पे मैं एम परसेंट हटा दूँगा और सीधा इसे अब मैं सेव करूँगा और रन करके दिखा दूँगा और यहाँ प्रिंट एफ भी सेम तरीके AR 0 से होगा पहले ए आर जीरो प्रिंट होगा फिर आई की वैल्यू वन होगी फिर ए आर वन प्रिंट होगा फिर टू फिर थ्री फिर नाइन तक जाएगा तो ये सेव करते हैं और रन करते हैं अब मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ सबसे पहले नाइन फिर एट फिर सेवन ऐसे में ज़ीरो तक वैल्यू डालता हूँ और फिर मैं एंटर करके दिखाऊँगा कि वो एक लाइन में नाइन से ज़ीरो तक प्रिंट हो जाएगा और अब मैं एंटर करूँगा ज़ीरो डालने के बाद तो फिर वो देखना है, एक ही लाइन में आ जाएगा और ये नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो अभी एक लाइन में आ गया मैं आपको यहाँ पे टर्मिनेट यानी कि टी टैब लगा के दिखा देता हूँ ताकि थोड़े गैप में आ जाए इसे मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ और फिर से मैं सेम वैल्यू डालूँगा नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो और एंटर करूँगा तो वो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी क्योंकि वो हमारे एरे में स्कैन हो चुकी है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो ये सारी वैल्यू प्रिंट हो गई इसका मतलब हम एरे डिक्लेयर कर चुके थे बिल्कुल सही स्कैन हुई है बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है अब ये तो हो गया एक तरीका एरे डिक्लेयर करने का एरे ट्रेवर्स करने का यानी स्कैन करने का अब मैं स्कैन वाला लूप हटा देता हूँ और डिलीट कर दूँगा इसे अब मैं एरे को स्कैन करने का दूसरा तरीका लिखता हूँ इसके आगे मैं इक्वल टू लिख दूँगा जो हमने एरे डिक्लेयर की थी और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपनी वैल्यू डालूंगा कॉमा से सेपरेट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ज़ीरो तो ये मैंने दस वैल्यू दे दी और हमारी एरे का साइज़ भी दस था अब मैं इसे सेव करके रन कराता हूँ तो ये बिल्कुल सेम प्रिंट हो गया तो ये भी एक तरीका था एरे डिक्लेयर करने का अब इसके बाद एक और तरीका है जैसे हमने यहाँ पे ए आर ब्रैकेट में टेन लिखा है ना तो मैं यहाँ से टेन हटा दूँगा और इसका मतलब ये होगा कि जो ब्रैकेट में दस एलिमेंट है वो स्पेसिफाई करेंगे हमारी एरे का साइज़ तो यहाँ पे दस एलिमेंट है अब मैं इसे फिर से सेव से करके रन करके दिखा देता हूँ और ये फिर से सेम वैल्यू प्रिंट कर देगा और ये प्रिंट कर दिया इसने दस तक अब सेम तरीके में दस वैल्यू थी लेकिन मैं फॉर लुक को फाइव तक चलाऊँगा तो यानी वो पाँच वैल्यू प्रिंट करेगा और अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ कि ये चल रहा है नहीं और ये मैंने सेव से करा रन करूँगा और ये रन करने के बाद सिर्फ पाँच वैल्यू दी इसने वन टू फाइव तो इसका मतलब ये है कि हम एरे डिक्लेयर चाहे जैसी कर दें लेकिन हम जहाँ तक लूप चलाएंगे वो वहीं तक चलेगा तो गाइज़ ये थी सिंपल सी वीडियो एरे के ऊपर और एरे की डेफिनेशन एक और बार सुना देता हूँ कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इज़ कॉल्ड एरे और गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ मिलते अगली वीडियो में